क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ, डाला छठ यानी छठ पूजा के 4 दिवसीय पर्व को छठ व्रती ने उगते हुए सूरज को अर्घ देकर समापन किया है। आपको बता दें कि इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। आपको बता दें कि ये पर्व पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। मुजफ्फरपुर में झोला छाप डॉक्टर का बड़ा कारनामा सामने आया है। बता दें कि डॉक्टर ने नर्सिंग होम में गई महिला की गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया, जिससे महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर महिला के परिजनों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम पटना में रहते थे, बहन बोला जी आपसे हम बच्चा बंद होने वाला ऑपरेशन कराते हैं, तो सतरा गया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड कराए तो तेरा भाई है, ऑपरेशन कराता है डॉक्टर बुलाते हैं, तो ओकरा देखा जाए, देखो भैया कोई बीमारी है तो बताब। तो कहलक कि जो बदानी में सूजन हो, दवाई 2-3 फल खेबे तो ठीक हो जाते। तो कहीं ठीक है, दवाइए चलाहू। तो बिहान होकर छीन घाव के सिस्ट बन गलू बदानी में, सब ऑपरेशन कराबी हो तो जरूरी है। ओकरा टेंशन दे दिलखिन तो ये ऑपरेशन होकर लेल चल गलखिन। जब डॉक्टर साहब बोललखिन आई दिन भर भूखल रखलखिन तो नहीं अलखिन सर, तो हम सर रात के कल हम जाए ला नहीं परसेंट सर करे के लिए, तो हम जा रही परसेंट के लिए ना करा ऑपरेशन। तो कहलखिन हमारा ऊपर रिस नहीं रह ना, तू बिहान होते आई ना होते बिहान होते तो रख लखिन रात भर, फिर रात में हम खाना खियाली। खबर नवादा से है, जहां कोऑपरेटिव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नवादा सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन किया जा रहा है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए नामांकन के लिए आए कोऑपरेटिव उपाध्यक्ष के लिए नामांकन कराने आए मिथिलेश सिंह ने सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन कराया। वहीं अध्यक्ष पद के लिए भोली सिंह और गुड्डी देवी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। किस पद के लिए नामांकन कौन कराया और कौन लगते हैं? उपाध्यक्ष के लिए क्या नाम उनका? देवी कुमारी। अच्छा, आपका नाम? प्रेमजीत कुमार। उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव में नामांकन कराइए ना? जी हाँ, उपाध्यक्ष पद के लिए उनका नामांकन कराया गया है। पहले से कराए थे कि पहली बार? नहीं, पहली बार। जीतने के बाद क्या उम्मीद रहेगा किसानों का? जीतने के बाद सब काम किसान के लिए करना है। जो भ्रष्टाचार आज बैंक में है, उस भ्रष्टाचार से ही मुक्ति दिलाना है, क्योंकि पूरे जिला के चाहे वो पैक्स अध्यक्ष हो या किसान वर्ग, सब ट्राही नाम कर रहे हैं। खबर हाजीपुर के रेलवे स्टेशन के है, जहां एक आरपीएफ के दरोगा ने एक यात्री की जान बचाई। बता दें कि हाजीपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन को पकड़ने के लिए चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसलने से वो ट्रेन से गिर गया, जिसके बाद आरपीएफ के दरोगा ने मौके पर पहुंचकर यात्री की जान बचाई। बता दें इस पूरे मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ बिहार में पूरी तरह से शराब बंदी है, इसके बाद भी शराब तस्करी लगातार जारी है, वहीं आबकारी विभाग के इसको लेकर लगातार छापेमारी में भी लगी हुई है। इसी कड़ी में सहरसा मद निषेध विभाग की टीम ने शहर के बम्फर चौक और
कपसिया हाउस के बीच एक मकान में छापेमारी करते हुए तकरीबन 10 लाख की शराब को बरामद किया है। बता दें मौके से मकान मालिक फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। दिन में अचानक 3 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कपसिया हाउस से बम्पर चौक के बीच में कहीं पे शराब उतारी जा रही है। तो यहाँ से निरीक्षक मध्यनिषेध संतोष कुमार श्रीवास्तव और नव निरीक्षक इंद्रमणि के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इन लोगों को वहाँ भेजा गया। इन लोगों के द्वारा बम्पर चौक के नज़दीक एक मकान में काफ़ी मात्रा में विदेशी शराब मकान में चौकी के नीचे रखा हुआ, एक कमरे के रैक पे रखा हुआ बरामद किया गया। उसके बाद उसी कैंपस के एक कोना पर एक पुराना मकान था, जिसमें एक पेड़ के नीचे लगभग 20 पेटी शराब रखा हुआ था और वहीं पे एक सेप्टिक टैंक बना हुआ था, जिस सेप्टिक टैंक का यूज़ सिर्फ शराब के भंडारण के लिए किया गया। खबर सहरसा से है, जहां सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ सोमवार शाम को अस्तलचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया गया। वहीं मंगलवार को प्रातः कालीन उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ चैती छठ पूजा का समापन होगा। बता दें छठ पूजा को लेकर शहर के शंकर चौक स्थित पोखर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। वहीं विभिन्न जगहों पर लोग अपने घरों में भी श्रद्धा और समर्पण के साथ चैती छठ का आयोजन किया था। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी यहाँ पर धूमधाम से चैती छठ जो है वो मनाया जा रहा है और पूरा हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और जिनको जो मनोरथ पूर्ण होता है तो वो यहाँ करते हैं। हम लोगों के परिवार में भी पहली बार ये छठ हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था ये छठ, तो चैती छठ का पहली बार शुरुआत की है। भगवान भास्कर से बस इतना चाहेंगे, जो सहरसा में जो एक शंकर चौक पर हम लोग मना रहे हैं ओवर ब्रिज का जो मांग है पूरे शहर का, तो भगवान कम से कम यहाँ के नेता और जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको थोड़ा सा सदबुद्धि दे, जो कम से कम ओवर ब्रिज का निर्माण करवा पाए। बहुत धूमधाम से मनाते हैं सभी बच्चे के आदमी, बहुत अच्छे से मनाते हैं। सारा चित्र करके हम लोग आते हैं यहाँ पे डाला डोरा लेके और हम लोग पूजा करते हैं सूर्य भगवान। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, लोगों को आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? सभी को बधाई देते हैं और सभी ऐसे करते हैं त्योहार अच्छे से मनाते हैं। प्रतिभा रंजन। खबर सुपौल जिला से है, जहां के सदर प्रखंड अंतर्गत करियो वार्ड नंबर 3 में बेटी की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बेटी की मौत का आरोपी बेटी की सौतेली मां पर लगाया है और बताया कि मां हमेशा से बेटी के साथ बुरा व्यवहार करती थी और बच्ची के साथ मारपीट करती थी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच की जाए। जो कोई कहता है कि जहर खा के मरी है, कोई कहता है कि अपने मर गया है। क्या लग रहा है आपको यहाँ के, आप जो है खास करके? हमको तो बुझाई नहीं दे रहा कि कुछ खा के मरा है। अच्छा, चेहरा तो लड़गुज लड़गुज करता है, वो बुझाई देता है कि कोई आकस्मिक भी हो सकता है। गांव के और गांव का माहौल होता है कि उसको मारपीट किया जा रहा था पहले से, सब अगल बगल का आदमी कहता कि नहीं पहले भी मारा है, बार बार उसको मारपीट किया जा रहा था, उसका सतमय भी है और शादी भी किया है, तो उस लड़की का 2-3 लड़का से शादी कर दिया, वहाँ से भी लड़की भाग के आई यहाँ, यहाँ भी सुनते हैं कि 2-4 दिन पहले उसको मारा भी है उसका माँ पापा। किसने मारा है? उसका मम्मी पापा मारा तेरे बजे लौटा ले, तेरे बजे गोसाई घर में भर ले के भेल अपने। हमें बचिया छी, शादी उदी भेल छी। हाँ, कद शादी बच गया छिया। ससुराल से कहिया आयल? 4 महीना मतलब 4 महीना ब्याह भेल, दिल्ली लग गेलै लड़का, दिल्ली से फेर मतलब फेर अयलै, तैके बाद अखनी 1-2 महीना भेल रहते अपने आप मर गए। हाँ, कुछ नहीं पकड़ी भैया, कुर लग जाए पकड़ो कुछ नहीं कर। की नाम है अपने के? हमारा नाम भरत नहीं चिन्ह। बचिया मरल है, सबको पूरे गांव को शक है कि यह पहले से बहुत उस लड़की को मारता था, क्योंकि उसके यहाँ उनकी मम्मी जो है पहले ही मर चुकी है, सतमाय जिसको बोला है वो है आंगन में, इसके चलते जो है उस लड़की को कभी भी अच्छे ढंग से नहीं खाना पीना मिला, सब दिन मारते पीटते रहा, इसलिए पूरे गांव का लोगों का शक है कि यह मार दिया। तो हम चाहते हैं इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद इस पर कार्रवाई हो, अगर सही में मर्डर है तो कार्रवाई होगी, अगर मर्डर नहीं होगी तो कोई बात।
खबर नालंदा से है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन की गश्ती को धत्ता बताते हुए युवक पर बुलेट सवार बदमाशों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पटेल नगर निवासी युवक रवि रंजन कुमार शिवपुरी मोहल्ले के छठ घाट से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान भीड़ भाड़े वाले इलाके के नाला रोड में बुलेट पर सवार दो हमलावरों ने युवक पर चाकू से कई बार हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़का लोग बोला कि दो गाड़ी बुलेट से आया, तो ये अथी बुलेट से लड़का चाकू मार रहा था, तो ये सब ईटा लेके खरीदा तो वो लोग भाग गया, गाड़ी छोड़ के भाग गया चाबी लोग। उन्हें लड़का लोग गाड़ी अपना घसीट के लेके आया, मोहल्ला में लेके आया। कोई जख्मी भी हुआ है? नहीं, वही लड़का जख्मी हुआ है जिसको लगा है, उसी का मैटर है। बाकी तो मैटर अब तो लड़का कहीं जा रहा था कि लड़का उस जगह वो स्टैंडम के बगल में कचौड़ी पकौड़ी की दुकान है, उतर पर अपना कुछ खा पी रहा होगा, खा रहा था। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना अंतर्गत मोड़ से है, जहां घर के बाहर सो रहे युवक की दबंगों ने ईंट पत्थर से चेहरे पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना भी दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। इनका सर जो है ना, पूरा पीट पीट के पत्थर से चूर चूर कर मार दिया है। जी, पूरा शकल जो है पूरा चूर दिया गया है। क्या नाम है इनका? शिवनंदन भगत। कुछ आपसी विवाद या कुछ कारण? कौन मारा? क्या विवादी? घर के जमीन के खातिर बहुत पहले से पुराना विवाद था, लेकिन फिलहाल इधर 8-10 दिन के अंदर ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। जो कि उस दिन रूम में सोते थे और ये बस परसों से बाहर सोए हुए थे। रात में बाहर सो जाते थे गर्मी की वजह से, अब बस 2 दिन सोया ही अब वहाँ, और आज बस इनका चूर चूर कर हत्या। रात में कोई आया? जी, रात में आया, चूर चूर कर इनको मार दिया। खबर गया से है, जहां तस्करों का अजीबो गरीब कारनामा सामने आया है। बता दें कि उत्पाद विभाग की कार्रवाई में टीम के द्वारा एम्बुलेंस में रह रहे डेड बॉडी बॉक्स यानी ताबू से 212 बोतल महंगी ब्रांड की शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुप्त सूचना मिली थी कि एम्बुलेंस के थ्रू विदेशी शराब का तस्करी किया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग अपने जवान को मुस्तैद किए और एम्बुलेंस पकड़ा गया, लेकिन तस्कर नायाब तरीके से ही एम्बुलेंस के अंदर रखे हुए सब, जिसमें ताबूत रख सब ताबूत जो होता है जिसमें सब को रखा जाता है, उसके अंदर सब के जगह पे शराब भरे हुए थे और तस्करी कर रहे थे। करीब 212 बोतल शराब बरामद हुआ है, 159 लीटर, और इसके साथ एम्बुलेंस और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ?
ये शराब पूछने पे बताया गया कि मुजफ्फरपुर के लिए जा रहा था रांची से। अभी सर बॉर्डर एरिया में चेकिंग का क्या स्टेटस है? हम लोग पूरे गया जिले में 3 जाँच चौकी का निर्माण किए हैं, इसमें एक डोभी है, एक धीरजा पुल है और एक इमामगंज है। तीनों जाँच चौकी पे 24/7 जाँच की जा रही है। खबर नवादा से। जांच जिले के शाहपुर चौक के पास बिहार पुलिस की दबंगई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने एक आर्मी जवान बाइक की चेकिंग के नाम पर मारपीट कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने घायल आर्मी जवान को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शोखोपुर सराय भेजा, जहां घायल जवानों की हालत बहुत गंभीर देखते हुए घायल को पावापुरी रेफर कर दिया गया है। हम राजगीर कैंटीन से आ रहे थे, वहाँ पर शाहपुर थाना के पास चौक पर पुलिस रोका। पुलिस रोकने के बाद हम उसको बोले कि क्या है, तो बोला चेक करना है। बोले ठीक है, चेक किए। बैग हमारा आगे टंगा हुआ था, बैग जब उसको दिए तो बोला खोलो। हम बोले खोल लो भाई, तो बोला नहीं तुम नहीं खोलेगा। बोले ठीक है, खोल दिया। हम क्लच दबाए हुए थे, गाड़ी मेरा स्टार्ट था, इस कारण से हम नहीं खोल रहे थे। तो बोला खोल के दो। वो भी गर्मा गर्मी में बोलने लगा। हम उसको बोले कि भाई हम लोग फौजी आदमी हैं, हम लोग को चेक करने से क्या मिलेगा, जिसको चेक करना है उसको तो कर नहीं पाओगे। इसी में बोला किसको चेक करना है, तू बहन को कौन है, यू बोलने लगा। हमने उसी भाषा में उसे अपने फौजी लैंग्वेज में बात करने लगे। हमारे मुँह से भी एक गाली निकला तो कम से कम 20 लाठियां हमको। चैती छठ पूजा को लेकर नालंदा जिले के बड़गांव और दोंगारी धाम और देवनगरी मोरा तालाव छठ घाट पर छठव्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दौरान छठव्रतियों ने देवनागरी मोराल तालाब छठ घाट पर डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया। वहीं इस बार पहले की तरह मोरा तालाब छठ घाट पर एसडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद दिखी। कार्तिक छठ जो होता है, जो पुतों के रूप में माना जाता है, और चैती छठ जो है सुशास के रूप में माना जाता है। इसमें सभी वर्ग के लोग, हिंदू समाज में जितने लोग हैं सब लोग व्रत करते हैं, किन्हीं को कोई तरह के तरद्दुत नहीं होती है। और कार्तिक छठ में जो अमीर लोग होते हैं उनके पास सारा समाधान उपस्थित है, इसलिए वो लोग कार्तिक छठ को विशेष करते हैं। अभी कहाँ हैं आप, क्या माहौल? मोरा तालाब में हम लोग हैं, मोरा तालाब के तालाब पर इतना भीड़ जुटा है। खबर मसौड़ी प्रखंड के शाहबाद पंचायत के छाता गांव से है, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेश कुमार ने फीता काट कर गांव में नव निर्मित छठ घाट का उद्घाटन किया है। मौके पर पंचायत के मुखिया रवि कुमार के साथ पंचायत के कई सदस्य मौजूद रहे। खबर नालंदा से है, जहां जिले में दीपनगर थाना क्षेत्र के इलाके सकरौल गांव का है, जहां गांव के दबंगों ने दबंगई करते हुए 2 बीघा खेतों में लगे किसान के फसल को काट दिया और जेसीबी मशीन से फसल को बर्बाद करते हुए मिट्टी को भी वही काट दिया। वही युवक ने दीपनगर थाने में FIR दर्ज कराया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने जांच स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना यही घटा कि हमको ब्राहिल जो आके जानकारी दी कि जो है आपका गांव में जो लगा हुआ था गेहूं, उसका गेहूं सहित मिट्टी काट लिया है। 2 से 2.5 बीघा जमीन का मिट्टी काट लिया, खेत भी खराब कर दिया है और गेहूँ भी बर्बाद कर दिया है, जो काफ़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। एसकेबी मार्केट.इन, शॉपिंग सुकून के साथ।